एक और जहां लंबे इंतजार के बाद क्रिकेट प्रेमियों को आईपीएल के बहाने क्रिकेट देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर आईपीएल ने सट्टे के कारोबार को भी सक्रिय कर दिया है। कुछ ऐसा ही नज़ारा इंदौर में भी देखने को मिल रहा है, जिस पर पुलिस ने सख्ती से कार्यवाही शुरू कर दी है। ताज़ा मामले में क्राइम ब्रांच और एरोड्रम पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर सुखदेव नगर में आईपीएल का सट्टा लगा रहे चार आरोपियों को एक फ्लैट से अपनी हिरासत में लिया है। पकड़े गए आरोपियों से चार मोबाइल फोन, लाखों रुपए का हिसाब सहित नकदी बरामद की गई है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुखदेव नगर के एक फ्लैट में क्रिकेट का सट्टा चल रहा है, जिस पर कार्यवाही करते हुए क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने फ्लैट में दबिश देकर मौके से चार आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया। पकड़े गए आरोपी आईपीएल क्रिकेट सट्टा खेल रहे थे, जिनके पास से लाखों रुपए का हिसाब सहित चार मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि किन किन बुकी से आरोपियों का संपर्क है और अन्य और भी कितनी जगह पर सट्टा संचालित किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम है और टीम जो है उसकी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर सुखदेव नगर में एक घर में लोग चार लोग थे जो सट्टा का दाव लगा रहे थे, जो आईपीएल का मैच चल रहा था उसके बीच में। तो सुखदेव नगर में एक मकान से राजेंद्र, राजेश, रोहित और नागेंद्र, ये चार लोग हैं, इनको पकड़ा गया है, जिनके पास से चार मोबाइल भी जब्त किए गए हैं और कुल 8,990 इनसे जब्त किए गए। तो 3/4 गंभीर एक्ट के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। इंदौर में क्रिकेट पर सट्टा नई बात नहीं है, हर दिन किसी न किसी मैच पर सट्टेबाजों की नजर रहती है। करोड़ों रुपए का कारोबार धड़ल्ले से चलाया जाता है, पर पुलिस का खौफ इन अपराधियों में जरा सा भी दिखाई नहीं देता। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।